गरीबों के साथ भेदभाव नहीं किया, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं किया, जातिवाद नहीं किया, हर गरीब को हमने योजना का लाभ दिया है। सभी लोग इनसे त्रस्त आ चुके हैं, वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब कभी न लौटे, कभी न लौटे, कभी न लौटे। 70 साल सरकार रही तब ना तो इनको रोजगार यहाँ था, तब यहाँ ना इनको विकास दिख रहा। आज 10 साल में ये चाहते हैं काया पलट। जो हमारा दुश्मन है पाकिस्तान देश, वो दुआ करता है कि कांग्रेस जीते। यहाँ छठवें चरण का मतदान होना है, आइए जानते हैं यहाँ की जनता की क्या राय है और वो किस उस पर जो है लोगों को रुझान के अनुसार अपना वोट मत दे करके किसे सांसद चुनना चाहते हैं। आपका नाम? विजय सिंह रघुवंशी। रघुवंशी जी, आप किस मुद्दों को लेकर के जो है चुनाव? हम लोग विकास है, सुशासन है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। विकास में हमारा जो है स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सड़क है, बिजली है, पानी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इन चीज़ों को लेकर हम लोग जा रहे हैं और इसी मुद्दे से लेकर ही चुनाव लड़ना भी चाहिए, लड़ाई मुद्दों पर होनी चाहिए। लेकिन हमारे गठबंधन के साथ मुद्दों से भटक गए हैं, मुद्दों पर राजनीति नहीं कर रहे हैं और हमारी सांसद मेनका गांधी ने विकास के मुद्दों को लेकर 5 साल में 4,000 करोड़ रुपए का काम कराया है। यहाँ पर बहुत सांसद हुए, विधायक हुए, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं ला पाया। सांसद मेनका गांधी के नेतृत्व में अस्पताल बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। यही नहीं, हमारे सरकार की योजना, क्योंकि 75 सालों में हमारे उत्तर प्रदेश में 8 साल मेडिकल कॉलेज थे, आज हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज दिया जा रहा है। आने वाले समय में ये मेडिकल कॉलेज फलेंगे फूलेंगे और हमारी किसी भी गंभीर बीमारी में हमको जो है ट्रामा सेंटर पहुंचते पहुंचते हमारे किसी भी नागरिक की जो है कोई भी इस तरह के कारण नहीं होंगे, वो जो है रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाए इस तरह की घटना, और हमारे सारे इलाज इन्हीं मेडिकल कॉलेज में आने वाले भविष्य मिलने वाले हैं। हमने शिक्षा में काम किया, नवोदय विद्यालय इस जिले में नहीं था, हमारे बच्चों को अमेठी जाना पड़ता था, लेकिन सांसद मेनका गांधी ने यहाँ पर नवोदय विद्यालय गरीब बच्चों के लिए खोला। गरीबों के कोचिंग के लिए हम लोग ने अभ्युदय कोचिंग चलाई है, जिसमें गरीब का बच्चा भी इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, IAS IPS बन सकता है। इस तरह के तमाम काम हमने लोग ने गरीबों के साथ भेदभाव नहीं किया, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं किया, जातिवाद नहीं किया, हर गरीब को हमने योजना का लाभ दिया है, चाहे आवास हो, चाहे पानी हो, आयुष्मान कार्ड हो, मुफ्त अनाज हो, हर व्यक्ति को मिला है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है कि उसको सरकार ने उसको अनाज देने में या योजना देने में भेदभाव किया। मेरा नाम राहुल गौतम है और मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूँ। यह पानी राम भोपाल निशा जी का गांव गांव चलकर प्रचार कर रहा हूँ। आज इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। हमारे प्रत्याशी परमादरणीय राम भोपाल निशा जी सुल्तानपुर से ऐतिहासिक विजय करने जा रहे हैं। उसका सबसे पहला कारण महंगाई है, भ्रष्टाचार है। आपने देखा होगा, इस सरकार ने मरने के बाद भी नहीं बख्शा, कफन जैसी चीज को GST लगाने का काम किया। डीजल पेट्रोल का क्या हाल है, वो जो सवर्ण में गरीब तबके के लोग, गरीब वर्ग के लोग हैं, वो महंगाई से त्रस्त हैं। जो यहाँ 90% कमेरा समाज है, जो कमाने खाने वाला समाज है, वो चाहे बैकवर्ड क्लास का हो, चाहे SC क्लास का हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सभी लोग इनसे त्रस्त आ चुके हैं। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब कभी न लौटे, कभी न लौटे, कभी न लौटे। ये आपकी भूल है, वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे सत्ता के लोग हों या जातवाद और धर्मवाद की बात कर रहे हैं, जनपद सुल्तानपुर की जनता का भला कैसे होगा, इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप बता दें, बार बार मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, सुल्तानपुर जिला अस्पताल की वो दुर्दशा है कि मरीज जब बाहर से जाता है तो डॉक्टर जब जाते हैं तो इनके दलाल जाते हैं। नर्सिंग होम पनप रहा है लेकिन सुल्तानपुर का अस्पताल भ्रष्टाचार में डूबा पड़ा हुआ है। आप किन मुद्दों को लेकर के? अरे मुद्दा ही मुद्दा है, अगर सांसद जी यहाँ काम की होती जनपद सुल्तानपुर में तो गांव गांव उनको दौड़ना ना पड़ता, गांव वाले उनके पास दौड़ के आते। आप मुद्दा ही मुद्दा है, समझ रहे हो? हर आदमी को रोजगार मिले, हर आदमी को कपड़ा लेता, मकान मिले, ये अलग की बात है, किसी को शौचालय मिला। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा मोदी जी ने आलू से सोना बनाया और सोना गया केदारनाथ, केदारनाथ से पीतल कैसे हो गया, ये भी समझने की बात है। जो समाज के लिए नहीं है, जो समाज में पहले धन्यवाद आपका, जो सुल्तानपुर जैसे छोटे लोग समाज पाए, इच्छित रहा पिछले 70 साल सरकार रही तब ना तो इनको रोजगार यहाँ दिख रहा, तब यहाँ ना इनको विकास दिख रहा। आज 10 साल में चाहते हैं काया पलट। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकार है, कौन क्या कर रहा है, कौन विकास कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था इस जिले की बहुत अहम मुद्दा रही है, जिस पर कोई भी नेता नहीं बोलने को तैयार है। क्यों नहीं बोलने को तैयार है? कहीं ना कहीं से वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
आज स्थिति ऐसी है कि जिले में सिर्फ कांग्रेस जीतने नेता के पास जाइए, सिर्फ एक मुद्दा है, हम विकास के लिए लड़ रहे हैं, हम विकास के लिए, अरे आप विकास कर रहे हैं, जनता को दिख रहा है, आप बनाए हैं, ये कहने की जरूरत नहीं, जनता देख रही है इस बात को, लेकिन कानून व्यवस्था पर आप क्यों नहीं बोलते हैं मुखर होकर? आप इसको कहिए कि हम कानून व्यवस्था पर मुखर होकर खड़े हैं और सुल्तानपुर की जनता के साथ रहेंगे और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे और हर व्यक्ति को न्याय देंगे और न्याय पाने के बाद स्वयं हर व्यक्ति सुल्तानपुर वोट देगा। और मैं चाहता हूँ सुल्तानपुर के बराबर योगदान दे, देखिए जितने भी मुद्दे हैं कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा क्योंकि समाप्त होने वाली है, लगभग लगभग देश समाप्त हो चुकी है, इस बार पूर्ण आहुति है। ये जिस बारे में बात कर रही है राम, ये ऐसे लोग हैं जो आतंकवादियों के लिए रात में 12 बजे कोर्ट खुलवाते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो साधु संतों पर लाठियां बरसवाते हैं, ये ऐसे लोग हैं, ये कौन से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे बात कर रहे हैं जिन्होंने एक साल में दो बार 1991 में जुलाई और सितंबर के माह में दो बार रुपए का अवमूल्यन करा, जिन्होंने सोना गिरवी रखा, जिन्होंने 26% जितके राज में इन्फ्लेशन रेट रहा, ये क्या बात करेंगे? ये कौन सा दलित हित की बात करते हैं जिन्होंने 34 वर्षों से अधिक अम्बेडकर जी की प्रतिमा संसद में नहीं लगने दी? इन्होंने भारत रत्न अम्बेडकर जी को जीतने की क्यों नहीं दिया? इन्होंने कांग्रेस के षड्यंत्र ने बाबा साहब अम्बेडकर को दो बार चुनाव हरवा दिया, ये कौन से अम्बेडकर जी की बात करते हैं? अब बात कर लेते हैं मुस्लिमों पर, ये अच्छे मुस्लिमों की बात नहीं करते, जब एक पढ़ा लिखा कलाम जैसा जो पूरे आलम इस्लाम में उससे बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं हुआ होगा उसको दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनने देते। अब्दुल समद जो 1977 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जीते हैं उनको, उनके परिवार को, आने वाली पीढ़ियां जो होती उनके परिवार को बुलाकर मोदी सम्मानित करते हैं? नहीं, इनका आंसू गिरता है बुरहान वानी के लिए, अफजल गुरु के लिए, जो राष्ट्र विरोधी है उनके साथ कांग्रेस का हाथ एकदम स्पष्ट रूप से बाहर, लेकिन उसको भारत की जनता जानती है, उनको पूर्ण रूप से समाप्त कर दी है। और राम ये वही लोग हैं जिन्होंने राम पर प्रश्न चिन्ह लगाया था, तो जो जो राम पर आज हर मसूद को छोड़ने कौन गया था राम भाई और कले इन जगह थे, सब झूठ बोलते हैं, वही कपोल का तेज में बोला बंद जब बीपी सिंह की सरकार थी, महबूबा मुफ्ती के पिताजी गृह मंत्री थे, उस समय उनकी बेटी का फर्जी अपहरण दिखा करके खूंखार आतंकवादियों को कांधार ठोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उसके बाद जब हवाई जहाज का अपहरण करवाया गया उसमें भी अटल जी की सरकार में खूंखार आतंकवादियों को छोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसीलिए साबित होता है कि आतंकवाद का जन्मदाता भारतीय जनता पार्टी। और इनके पास देखिए, ये अब महबूबा मुफ्ती पीडीएफ को समर्थन देके सरकार बनाएंगे और वही पीडीएफ महबूबा मुफ्ती के पिताजी पीडीपी महबूबा मुफ्ती पिताजी जब वहाँ चुनाव संपन्न होता है वो हमारे मिलिट्री को धन्यवाद ना देके वो आतंकवादी शक्तियों को कहते हैं फला 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 आतंकवादी संगठन को धन्यवाद मेरे मुल्क में चुनाव सकुशल संपन्न। सोचिए हमारी मिलिट्री ना होती तो चुनाव संपन्न कराया, भारतीय जनता पार्टी के लोग महबूबा मुफ्ती के पिताजी को महबूबा मुफ्ती को समर्थन देके वहाँ का मुख्यमंत्री बना। दुश्मन देश समर्थन देता है भारत का, दुश्मन देश कांग्रेस को समर्थन देता है, कहता है कि राहुल गांधी जीते। और मैं बताता हूँ, दुश्मन देश जो है मोदी से पूछिए या भाजपा के किसी नेता से पूछिए कई रुपए चंदा उन्होंने मंदिर में दिया, मंदिर में हमने भी चंदा दिया, यही लोगों ने भी चंदा दिया, लेकिन आस्था का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने मंदिर में कितना चंदा दिया वो पब्लिक के सामने लाया भैया? इन्होंने भाजपा को बताया आतंकवाद का जनक, मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। इनके ही एक गृह मंत्री थे सुशील सिंधे, उन्होंने भगवा आतंकवाद घटने का काम किया था सिर्फ हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, और कांग्रेस के जीतने की खुशी और उम्मीद पाकिस्तान पालता है। बिल्कुल सही बात, बिरयानी खाने कौन गया था? बिरयानी खाने कौन गया था जिन्होंने भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए? ऐसे लोग 10 साल मनमोहन सिंह कभी भी पाकिस्तान नहीं गए, मनमोहन अमित मालवी जो भाजपा कहे कश्मीर देश के मामले में
कश्मीरी पंडितों को भगाने का काम भाजपा ने किया। बीपी सिंह की सरकार को समर्थन देके हमारे पंडितों को गांधी 5 लाख वोटे जीता एक बार झूठ बोलिए सही ना ना पूरा देश कांग्रेस को जिताने के लिए अगला जन 22 जन्म में कांग्रेस समाप्त हो गई है। हमारा मुद्दा है फिर से आए जब हमारा मुद्दा है शासन काल हमारा मुद्दा है कि यहाँ चैन अमन रहे। हमारा मुद्दा यही है, हमारी सरकार का भी मुद्दा यही है, हमारी जो माता जी यहाँ से लड़ रही है उनका सबसे पहला मुद्दा है विकास का। जितना विकास उन्होंने कर दिया है हमको लगता है इतिहास में आज तक कोई सांसद नहीं किया होगा सुल्तानपुर के लिए। इन 5 सालों में आपको क्या लगता है कि आज की पार्टी ने कितना विकास किया? इन 5 सालों में आप विकास के नाम पे आप देख लीजिए जो वेंडर उनको उन्होंने एक निश्चित जगह दे दी वहाँ कोरिया के बेचे। जो मेडिकल कॉलेज था मेडिकल कॉलेज आज तक नहीं लगा वो लेके आई है मेडिकल कॉलेज। ये कांग्रेस क्या बात करते हैं उनका तो जो हमारा दुश्मन है पाकिस्तान देश वो दुआ करता है कि कांग्रेस जीते क्यों राहुल गांधी जीते क्यों करता है भाई। बिरयानी खाने कौन गया था? बिरयानी खाने गए थे ये तो नहीं था कि हम उनका विरोध कर रहे थे। पूरे 10 साल में डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी पाकिस्तान नहीं गए। अरे तो बिना निमंत्रण के क्यों गए? जब सोनिया गांधी जाने देती तब तो जाते हो। उन्होंने धृष्टता की हमारे देश की बदनामी। सोनिया गांधी हाथ थोड़ा पकड़ रही हूँ रिमोट कंट्रोल पे चलते थे वो। उसने पढ़ा लिखा आदमी जीडीपी बोलेगा 2 दिन बोलेगा। मोदी जी चाय बेचने वाले पूछा जाएगा तो अभी साले को आए फाए मंगल सूत्र यही आतंकवादी छोड़ने जाते हैं और वो पुलवामा कांड का जांच नहीं करा। आज तक 4 सीट पूछिए कहाँ नहीं जमा करे 4 सीटिया आज तक कहाँ नहीं जमा हुई है। और ये जो है देखिए गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों बना दिया? हमारा जिंदा बना दिया होता हर पार्टी तो चहेते बने हुए थे चुनाव में अपने घोषणा। आप भी जैसे लोग वहाँ बता रहे थे हिंदू हृदय सम्राट को बनाइए प्रधानमंत्री देश का हिंदू हृदय सम्राट हिंदू हृदय सम्राट लेकर घुमाएंगे नौजवानों को भविष्य का डर दिखाएंगे कभी भैंस और बकरी पे आ जाएंगे। आप चल रहे हैं यही बंटवारा वही साफ करना था पहले बंटवारा से पूछिए कि जो इन्होंने वादे किए थे ज्यादा सवा लाख से 1 लाख देखिए की राय आपने देख लिया। और मैं जितेंद्र प्रताप सिंह न्यूज़ ऑल इंडिया सुल्तानपुर।